पकौड़े वाली पंजाबी स्टाइल की कड़ी हो और राइस तो और क्या ही चाहिए। तो चलिए आज हम बनाते हैं पंजाबी स्टाइल पकौड़े वाली कड़ी बिल्कुल होममेड तरीके से और बहुत ही कम से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और झटपट और बहुत ही स्वादिष्ट बहुत कम से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे। और इस वीडियो में मैं आपके साथ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आपकी पकौड़े वाली जो कड़ी है बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही यम्मी बनने वाली है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम पकौड़े वाली कड़ी बनाना बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल घर की तरीके से। इस पकौड़े वाली कड़ी को बनाने के लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं जो आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने लगभग एक कटोरी के करीब दही लिया है, हाफ कटोरी बेसन लिए हैं, नमक लिया है, गरम मसाला लिया है और रेड चिली पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर लिया है, कुछ वही किचन में मिलने वाले थोड़े बहुत इन्ग्रीडियंट्स से हम आज कड़ी बनाएंगे, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल कड़ी बनाएंगे। तो मैंने जिस कटोरी से एक कटोरी दही लिया उसी सेम कटोरी से हाफ कटोरी मैंने बेसन लिया है। हमें ध्यान ये रखना है कि हमारी जो दही है वो खट्टी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बेसन और दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम कुछ मसाले ऐड करेंगे जैसे हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक और रेड चिली पाउडर। अब इन सबको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से दही बेसन और सारे मसाले हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान ये रखेंगे कि इसके अंदर कोई भी लम्स ना हो। अब ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें मैंने एक कप के करीब पानी ऐड कर दिया है, बिल्कुल इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो ये देखिए हमारी जो कड़ी है उसके लिए बेसन और दही का घोल जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे हम रखते हैं साइड में और हम चलिए पकौड़ों के लिए बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। पकौड़ों के लिए मैंने लगभग आधी कटोरी के करीब बेसन लिया है। इस वही सारे मसाले लेंगे जो हमने कड़ी के लिए लिया था, पर इसमें हम थोड़ा थोड़ा मसाला ऐड करेंगे जैसे रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और नमक। हम बिल्कुल हाफ हाफ चम्मच ऐड करेंगे और इन सबको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए धीरे धीरे हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। इससे हमें पकौड़े बनाने हैं तो हमारा इसका बेसन का जो बैटर है वो ज़्यादा पतला रनी नहीं होना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना है। अब इसे चम्मच की हेल्प से हमें अच्छे से मिलाते हुए इसका बैटर तैयार कर लेना है। ध्यान ये रखना है कि इसमें कोई भी लम्स ना हो। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून के करीब हम बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। बेकिंग सोडा ऐड कर देने से हमारी जो पकौड़े हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो ये है पकौड़ों को सॉफ्ट बनाने का सीक्रेट। सिर्फ पिंच ऑफ सोडा आप ऐड कर दीजिए, फिर देखिए पकौड़े बिल्कुल गोल गोल और बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब चलिए हम कड़ी बना के तैयार करते हैं। एक पैन लेंगे, पैन में हम चाहें तो हम घी या ऑयल ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने घी या ऑयल ऐड नहीं किया है। अब सीधे मैंने जो घोल बनाया था उसे इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है और इसे चम्मच की सहायता से, स्पून की सहायता से मिक्स करते हुए हमें लगभग 8 से 10 मिनट तक इसे पकाना है, या तब तक पकाना है जब तक हमारा बेसन जो है वो अच्छे से पक नहीं जाता। हमें कंटिन्यू स्टर करते रहना है वरना बेसन जो है वो नीचे चिपक सकता है, इसलिए लगातार हमें चलाते हुए इसे पका लेना है। हमारी ककड़ी को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारी कड़ी जो है वो बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। अब हम लेंगे एक दूसरा पैन, उसमें हम कुछ ऑयल ऐड करेंगे क्योंकि इसमें हमें पकौड़े बना के तैयार करने हैं। वो बेसन जो हमने घोल बनाया था उसके हम इस तरीके से हाथों की हेल्प से या फिर किसी स्पून की हेल्प से हम गोल गोल पकौड़े बना लेंगे। 2 से 3 मिनट
के बाद हमारे पकौड़े बनके तैयार हो जाएंगे। जब हम पकौड़े ऑयल में ऐड करेंगे तो देखेंगे एक मिनट के बाद हमारे पकौड़े जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से गोल गोल हो चुके हैं। ये देखिए, ये सोडे की वजह से ये बिल्कुल शेप में आ जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो 2 से 3 मिनट के अंदर हमारे पकौड़े जो हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए, हमारे पकौड़े जो हैं वो बिल्कुल बनके तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं। तो इस स्टेज पे हम पकौड़ों को निकाल लेंगे। अब हमने जो कढ़ी बनाई थी उसमें हम इन पकौड़ों को ट्रांसफर कर देंगे। इन पकौड़ियों को कढ़ी के अंदर अच्छे से ट्रांसफर कर लेना है। ये देखिए, हमारी कढ़ी और पकौड़े बनके तैयार हो चुके हैं। तो हम इसके ऊपर तड़का लगाते हैं। तो चलिए अब हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने एक पैन लिया, उसमें मैंने 2 चम्मच के करीब घी ऐड कर दिया है। जब घी हमारा गर्म हो जाए तो उसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड कर देंगे, जैसे मैंने जीरा डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है, ऊपर से मैंने थोड़े से हींग ऐड कर दिए हैं। ये सारी चीज़ें जब अच्छे से पक जाए तो ऊपर से हम कश्मीरी लाल मिर्च 1 से 2 चम्मच के करीब ऐड कर देंगे। फिर हमने एक छोटा सा प्याज उसमें ऐड कर दिया है बारीक बारीक काट करके। इन सबको 1 से 2 मिनट तक भुनेंगे और हमारा जो तड़का है वो बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। अब हमने जो कढ़ी बनाई थी उसके ऊपर हम इस तड़के को ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी जो तड़का है, ये हमारा जो तड़का है वो हम कढ़ी के ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये देखिए, हमारी कढ़ी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनके तैयार हो चुकी है।